वॉइस में कह चुके हैं, अब मैं क्या कहूँ। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अर्जुन सिंह जो कार्य कर रहे हैं बहुजन बोर्ड के द्वारा, वो एक बड़ा कार्य है और एक ऐतिहासिक कार्य है। ठीक वैसे ही जैसे कभी हमारे यहाँ शावे दादा या दादा शाह फाल्के इत्यादि ने काम किया। अभी यहाँ बातचीत हुई थोड़ी कि ये अलग से बहुजन बोर्ड बनाने की, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से बॉलीवुड है, हॉलीवुड तो है ही, टॉलीवुड है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अब समय कम मिला है, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि दादा साहब फाल्के ने शुरुआत की। उस समय जो हमारा देश था वो नवजागरण काल का समय था। उस समय आर्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या सत्यशोधक समाज हो, तमाम आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उन्होंने जिन चीज़ों को चुना वो हिंदू पौराणिकता पर आधारित थी। मैं देखता हूँ कि उसमें ठीक है, पहली ही फिल्म आप देखिए राजा हरिश्चंद्र है, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई। आप देखिए कि उसमें एक सीन है कि राजा रानी तारावती हैं, राजा हरिश्चंद्र का मटका इसीलिए उन्हें उठाती हैं कि वो एक अछूत के दास हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का जो प्रसार है पहली ही फिल्म से हो जाता है हमारे बॉलीवुड में। अछूत कन्या एक फिल्म आई उसके बाद में, लेकिन वो किसी भारतीय निर्देशक की ने नहीं निर्देशित की थी, बल्कि वो जो फिल्म थी जर्मन के एक निर्देशक थे फ्रांज आस्टिन, उन्होंने उसका निर्माण किया था। एक ईमानदार पहल थी, लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय तक हम देखते हैं कि दलितों पर, बहुजन समाज पर छुटपुट फिल्में मिलती हैं। सुजाता का नाम आता है, बहुत चर्चा होती है, लेकिन उसमें भी, उस फिल्म में भी एक तरह से हरिजन गाथा है। उसमें गांधी जी का प्रभाव है, जब वो आत्महत्या करने के लिए जाती होती है तो वहाँ गांधी जी की मूर्ति दिखाई देती है, वहाँ बाबा साहब नहीं हैं। हमारी जो दलित चेतना है, बहुजन चेतना है, वो भी इस फिल्म में गायब है। कुछ प्रयास हुए हमारे वामपंथी फिल्मकारों ने के माध्यम से, लेकिन वहाँ भी दलित एक टूल के रूप में है। और कुछ फिल्मों में जैसे मृणाल सेन की एक फिल्म है, बड़ा नाम सुना जाता है, उसे हिंदी सिनेमा का क्लासिक कहा जाता है, भुवन सोम, लेकिन देखते हैं कि उसमें जो रेलवे का एक कर्मचारी है आदिवासी है, लेकिन वो बेईमान दिखाया जा रहा है, रिश्वतखोर दिखाया जा रहा है। आपका क्लासिक ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम समानांतर सिनेमा के अंतर्गत आते हैं तो कुछ फिल्में हैं, लेकिन जैसा मैंने टीजर में भी कहा था कि वहाँ बहुजनों को, दलितों को तभी दिखाया जाता है या तो उनका कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं या विस्थापन किया जा रहा है या मत। तो कहने का अर्थ है कि हिंदी सिनेमा में ये ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि हम जो सोच रखते हैं, जो जिस चेतना की हमें ज़रूरत है, वो चेतना गायब रही। आज उसी चेतना को सामने लाने के लिए अर्जुन सिंह काम कर रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और एक लेखक के रूप में जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनका हमेशा सहयोग करेंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।